डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। JNN, एक नई रिवायत। कंबर ड्रग थाना की हुदूद में चांडिया बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम हो गया है। फायरिंग से दो अफराद जान बहक और दो अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने जायवकुआ पर पहुंचकर लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कंबर ड्रग थाने की हुदूद में नवाही गांव नोदमा चांडियों में चांडिया बरादरी के दो ग्रुपों में घर के दरवाजे पर खड़ा होने से तसादुम हो गया। फायरिंग से दो अफराद नसीर और नूर जहान जाम बहक जबकि आसिफ और अब्दुलरहमान चांडियों के बेटे जख्मी हो गए हैं। इलाका मकीनों ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने जायवकुआ पर पहुंचकर दोनों नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि इलाके में खौफ वाली सूरत हाल पैदा हो गई है और दोनों ग्रुप मोर्चा बंद हो गए हैं। जबकि वाकया रोनुमा होने से इलाका में गम की लहर छा गई। वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी है। राजनपुर में दरियाए सिंध के मकाम पर PDMA की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, पुलिस और महकमा इनहार के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की गई। राजनपुर में दरियाए सिंध पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का मकसद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के इकदाम का जायजा लेना है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद असलम के मुताबिक तमाम महकमे अलर्ट हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने को तैयार हैं। मॉक एक्सरसाइज से इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ इमदादी टीमों और मशीनरी की कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर निगरानी कर रहे थे, जिन्होंने 1122 के जवानों की कारकर्दगी को खूब सराहा। लड़काना के इलाके 7 नंबर नाके के मकीनों ने कुछ दिन पहले नौजवान लड़की को अगवा करके कत्ल करने के जिम्मेदारान गिरफ्तार न करने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। 7 नंबर नाके की ओट बरादरी ने जिम्मेदारान को गिरफ्तार न करने पर सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मकतूला के भाई राबेल ओट और माँ मीरा बाई का कहना था कि 16 दिन पहले राइस किनाल से हमारी बच्ची किरण ओट की लाश मिली थी, जिस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। हमने 4 जिम्मेदारान के खिलाफ वली थाने में केस दाखिल करवाया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंदकोट के कहलवाड़ मोहल्ला में नौजवान का गुजरना जुर्म बन गया। नौजवान बासर वडेरे के घर के सामने से गुजरा तो नौजवान का मुंह काला किया गया, मूछें और बाल काट दिए गए, जूतों का हार पहनाकर तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। मजीद जानते हैं कंदकोट से अपने नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली बंगवार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मीर अली अकबर, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? नाजरीन आपको बताते चले, कंदकोट के कहलवाड़ मोहल्ला में नौजवान का गुजरना जुर्म बन गया। नौजवान बा असर वडेरे के घर के सामने से गुजरा तो नौजवान का मुंह काला किया गया, मूछें और बाल काट दिए गए, जूतों का हार पहनाकर तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। मजीद जानते हैं कंदकोट से अपने नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से। जी मीर अली अकबर, क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। कंदकोट के करीब कश्मोर कलवर मोहल्ला में नौजवान का गली से गुजरना जो है वो जुर्म बन गया है। नौजवान लाल मलक बासर वडेरे के घर से गुजरा तो वडेरे ने अपने ही डेरे में अदालत कायम कर दिए। नौजवान का मुंह काला किया गया है, मूछे और बाल जो है वो काट दिए गए हैं। फोटेज में भी आप देख सकते हैं कि नौजवान का जो है जूतों का हार पहनाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला है। घर से गुजरने वाले नौजवान को पकड़कर इंतहाई गैर सलूक सजा दी गई है, जिसके बाद जो है इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। अफसोस की बात है कि नौजवान के तजलील करते हुए वीडियो भी जो है वायरल कर दी गई है। सजा देते हुए सारे लोग हंसते रहे, मगर किसी को दिल में इतना भी रहम नहीं आया कि इस नौजवान को इस जालिम वडेरे जाए। साथ में आपको ये बताया चलूँ कि इस वाकये का
मतलब पुलिस को होने के बावजूद भी जो है पुलिस ने ताहर को कोई भी नोटिस नहीं लिया है। मुतासरा नौजवान की वर्षा ने फिलफोर वजीर आजम इमरान खान, वजीर सिंध और आई जी सिंध एसएसपी कश्मीर से नोटिस लेकर पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया मीर अली अकबर। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के बायस एक और डॉक्टर जान से हाथ धो बैठे। रजब तैयब उर्दवान अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर जावेद इकबाल दम तोड़ गए। नाजरीन आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के बायस एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। रजब तैयब उर्दवान अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर जावेद इकबाल दम तोड़ गए। नाजरीन आपको बताते चलें, मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के बायस एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गए। रजब तैयब उर्दवान अस्पताल के आईसीयू में जेर इलाज कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर जावेद इकबाल दम तोड़ गए। नाजरीन आपको बताते चलें, मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से अपने नुमाइंदे नुमान भुट्टा से। जी नुमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी ये डॉक्टर बुधिता कई रोजों से मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जेरे इलाज था और डीजी खान से ताल्लुक रखे थे। डॉक्टर जावेद इकबाल नाम है इनका और ये गुजिश्ता कई रोज से रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जेरे इलाज थे और वेंटिलेटर पर थे, जिसकी वजह से इनकी तबीयत नासाज बताई जाती थी और आज जो है ये जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिसके बाद पहले डॉक्टर हैं जो रजब तैयब उर्दवान अस्पताल में जिनका इंतकाल हुआ है कोरोना की वजह से, और इसके साथ ही पीएमए की जानिब से भी सारे अफसोस किया गया है और पीएमए की जानिब से लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि डॉक्टरों को हिफाजती किट फराम की जाए ताकि वो इस मोदी मर्ज से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया नुमान भुट्टा। मीरपुर आजाद कश्मीर में मास्क के बगैर सड़कों बाजारों में घूमने वालों को अनोखी सजा। असिस्टेंट कमिश्नर ने दर्जनों अफराद को स्टेडियम में कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। मीरपुर आजाद कश्मीर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों को यूनिवर्सिटी के बस में बिठाकर स्टेडियम लाया गया, जहां उन्हें सजा दी गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मास्क के बगैर घूमने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म। लोधरा में जहांगीर तरीन की जेके शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की फरोख्त जारी। जहांगीर तरीन ने तीनों तहसीलों में सेल्स पॉइंट्स लगाने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का हुक्म। जहांगीर तरीन के जेके शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की फरोख्त जारी है। तर्जुमान जहांगीर तरीन के मुताबिक जहांगीर तरीन ने तीनों तहसीलों में सेल्स पॉइंट्स लगाने की हिदायत कर दी है। म्यूनसिपल कमेटी और छंप मोड़ पर कायम सेल्स पॉइंट्स पर चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। बड़ी तादाद में शहरी सेल्स पॉइंट से चीनी खरीद रहे हैं, जबकि सेल्स पॉइंट पर कोरोना एसओपीज का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोहाट टीएमए एम्प्लाइज यूनियन की जानिब से हंगामी इजलास हुआ, जहां हुकूमत की जानिब से मौजूदा बजट को मुसरत करते हुए फिलफोर रिलीफ का मुतालबा किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा से। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमए एम्प्लाइज यूनियन के दफ्तर में, जहां पर एक हंगामी इजलास हुकूमत वक्त के खिलाफ किया गया है और यहां पर ये कहा गया है तमाम एम्प्लाइज यूनियन की जानिब से कि जिस तरह वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और उनको रिलीफ दिया गया है मौजूदा 2020-2021 के बजट में, इस तरह तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और इनको भी रिलीफ दिया जाए। इनका ये कहना था कि जिस तरह के एक नारा लगाया गया था कि दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा था, तो उसके मुताबिक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको भी ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। जी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब के सहाफ़ियों के लिए अहसन इकदाम। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान सहाफ़ी कॉलोनी के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुल्तान जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी के लिए 5,40,00,000 रुपए का चेक डीजी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद अली अब्बास को दिया। फराहम करदा रकम से मुल्तान सहाफ़ी कॉलोनी में तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सहाफ़ियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे।
सूबे के हर डिवीजन में सहाफी कानूनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में अवाम में शौर की बेदारी के लिए मीडिया का किरदार मुसलमा है, ताहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मौसर आगाही मुहिम जरूरी है। पंजाब हुकूमत कोरोना के एहतियाती तदाबीर के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चला रही है। सदर मुल्तान प्रेस क्लब शकील अंजुम से मुलाकात करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।